आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल वॉइस टीवी। फिरोजाबाद टूंडला क्षेत्र के लाइन पार में मोहल्ला स्वरूप नगर में अराजक तत्वों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंचे SDM। टूंडला रामसूरत पांडे में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों को पुलिस प्रशासन समझाने में जुटा। इस मामले में SDM टूंडला ने बताया कि तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी और नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। टूंडला से ब्यूरो रिपोर्ट। सीए साहब, ये लाइन पार में क्या मामला सामने आया है? ये नगला राम किशन में किसी शरारती तत्व द्वारा रात में अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने FIR पंजीकृत कर ली है और उसमें जो भी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद करनी है वो की जा रही है और जो खंडित प्रतिमा है उसकी जगह दूसरी प्रतिमा प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। यहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला, मतलब क्या मांग है इन लोगों की? उनकी जो मांग थी कि मूर्ति प्रतिस्थापित कर दी जाए और मुकदमा लेके कार्रवाई हो, सारी मांगे कार्रवाई चल रही है। यस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र। अरे बोलो ना, विधानसभा से जिलाध्यक्ष सुभाष सर। तो आइए, आज जो मूर्ति खंडित की गई है बाबा जी की, क्या इसमें आपका क्या कहना है? सर, मैं पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये बाबा जी की मूर्ति नहीं है, ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, जिसको कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको खंडित कर दिया है और इतना साहस दिखाया कि उन्होंने बाबा साहब की जो पूरी भुजा है उसको उखाड़ के अपने साथ लिया। मेरा नाम सुमन है, मैं नगर राम किशन में रहने वाली हूँ, यहाँ की लड़की हूँ मैं। सुमन जी, ये जो आज ये बाबा साहब की जो मूर्ति का खंडन करने का जो मामला सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि ये तीसरी बार ये कांड हुआ है। पहली भी फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि अम्बेडकर के बीच में से तोड़ी गई थी, फिर भी ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों ने ऐसे किया, जॉइंट दोबारा से मूर्ति रख दी, ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं उठाया। फिर दोबारा हमने इसके ठेके के चक्कर में ऑब्जेक्शन उठाया तो ये धमकी दी गई कि घर खत्म कर देंगे, पूरे मार देंगे तुम लोगों को, लेटिंग खेत में नहीं आने देंगे। किन लोगों ने, मतलब आपको धमकी दी? ठेके वालों ने, सब लेडीज इकट्ठी हुई, तो ये सब कुछ बोलना। आप प्रशासन से अब क्या चाहती हैं? फर्स्ट टाइम में ये चाहते हैं कि पहले ही ठेका बंद होना चाहिए, क्योंकि घर में और भाभियाँ हैं, दीदी हैं, माँ हैं, सबको, भाई लोग हैं, जैसे बाहर के और भी हैं, गाली गलौज करते हैं, गली में से निकलते हैं, गंदी गंदी गाली देते हुए निकलते हैं, बदतमीजी करते हैं और बदतमीजी करते हैं। अब बताइए इसका क्या होना चाहिए? आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज।